हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे दूर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये बताना है, और इसको सिल्क थ्रेड से बांधा हुआ है, तो हमें बताना है जिसकी सरफेस और डेंसिटी सिग्मा ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो एक काम करते हैं, हम इस पे देखते हैं, इस पे टेंशन लग रही होगी, देखो इस ये थ्रेड है एक, तो इस पे टेंशन लग रही होगी ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे क्लियर में, तो थ्रेड लग भी आपका कोई फोर्स किसी एंगल पे हो तो आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो ये क्लियर में तभी होगा भाई, टी साइन थीटा को तो बैलेंस कर देगा आपका एम जी, और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, चार्ज इंटू कितना चार्ज है, ये क्यू चार्ज था, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टिंग शीट क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्सेस बराबर होंगे, तो पहली कंडीशन टी साइन थीटा बराबर होगा एम जी के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए एक्स वाले फोर्सेस बराबर होंगे, वाई वाले फोर्सेस बराबर होंगे, और टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन एम जी अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियरली जो सिग्मा है वो टेन थीटा पर डिपेंड कर रहा है,